नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश कुमार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल आकाश पर। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों रोटर कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंक्रोनस मशीन। तो चलिए शुरू करते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ रोटर यूज इन सिंक्रोनस मशीन। टू टाइप्स के यूजली रोटर्स होते हैं सिंक्रोनस मशीन में। एक है साइलेंट पोल टाइप, एक होता है स्मूथ सिलैंडिकल टाइप। साइलेंट पोल टाइप एंड स्मूथ सिलैंडिकल टाइप। साइलेंट पोल टाइप क्या होता है, टाइप रोटर कैसा होता है, चलिए देखते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड साइलेंट पोल टाइप रोटर इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोजेक्टेड पोल टाइप रोटर इज ऑल द पोल्स आर प्रोजेक्टेड आउट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द रोटर। यह साइलेंट पोल टाइप प्रोजेक्टेड पोल टाइप रोटर भी कहलाया जाता है क्योंकि पोल्स इसके प्रोजेक्टेड आउट होते हैं, प्रोजेक्ट आउट होते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द रोटर। सेकेंड पॉइंट इज द पोल्स आर बिल्ट अप ऑफ थिक स्टील लेमिनेशन। पोल्स किससे बना होता है, मोटी स्टील लेमिनेशन से बना होता है। मोटी थिक स्टील लेमिनेशन से पोल बना होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज द पोल्स आर बोल्टेड टू द रोटर। जो पोल्स होते हैं जो प्रोजेक्टेड आउट जो होते हैं वो पोल्स बोल्टेड बोल्ट किए जाते हैं, मतलब बोल्ट से अटैच किए जाते हैं पोल्स रोटर में, रोटर पर बोल्ट से अटैच किए जाते हैं। पोल फेज हैज बीन गिवन अ स्पेसिफिक शेप। पोल पोल फेज का एक स्पेसिफिक शेप दिया जाता है, जैसा कि हम देख सकते हैं इस फिगर में। ये साइलेंट पोल टाइप रोटर है, इसको स्पेसिफिक पोल पोल फेस को स्पेसिफिक एक डिजाइन दिया गया है, स्पेसिफिक एक शेप दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज फील्ड वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड ऑन द पोल शू। फील्ड वाइंडिंग, अब सबसे मेन बात यह है कि फील्ड वाइंडिंग कहाँ रखी जाती है सिंक्रोनस मोटर में, सिंक्रोनस मशीन में। दोस्तों फील्ड वाइंडिंग रखी जाती है रोटर पर, रोटर पर रखी जाती है विद द डीसी सप्लाई। द डीसी सप्लाई सिंक्रोनस मशीन में फील्ड वाइंडिंग लगी जाती है कहाँ पर, रोटर पर। तो यही पॉइंट है, द फील्ड वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड ऑन द पोल शू। पोल शू पर करी वुंड की जाती है, पोल शू पर क्या की जाती है फील्ड वाइंडिंग, वुंड की जाती है। नाउ सेकंड पॉइंट इज दीज रोटर्स हैव लार्ज डायमीटर्स। ये इस प्रकार के जो सेलिन टाइप रोटर्स होते हैं, सेलिन टाइप रोटर्स जो होते हैं उनका डायमीटर लार्ज होता है और एक्सियल लेंथ कम होती है। डायमीटर लार्ज होता है और एक्सियल लेंथ कम होती है, जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हैं। यह फिगर है साइलेंट पोल रोटर का, इसमें फील्ड वाइंडिंग रोड वुंड है पोल शू पर और प्रोजेक्टेड पोल दिए गए हुए हैं, बोल्ट भी दिया गया हुआ है जिससे रोटर, जिससे पोल कनेक्ट किए गए हैं रोटर पर, रोटर शाफ्ट पर शाफ्ट दिया गया है और मैकेनिकल सपोर्ट दिया गया है। अब दूसरा स्टार्ट होता है स्मूथ सिलेंड्रिकल टायर। स्मूथ सिलेंड्रिकल टायर में यह नॉन सेलिंग टायर भी कहलाता है, यह नॉन प्रोजेक्टेड पोल टायर भी कहलाता है क्योंकि इसके प्रोजेक्टेड आउट नहीं होते हैं क्या, पोल शू। पोल शू इसके प्रोजेक्टेड आउट नहीं होते हैं और सेलिंग टायर जैसा नहीं होता है, यह स्मूथ होता है बल्कि स्मूथ सिलेंड्रिकल टाइप होता है, बल्कि इसलिए इसे स्मूथ सिलेंड्रिकल टाइप कहते हैं और नॉन सेलिंग टाइप कहते हैं, नॉन प्रोजेक्टेड पोल टाइप भी कहते हैं। सेकंड पॉइंट इज द रोटर कंसिस्ट ऑफ स्मूथ सॉलिड स्टील सिलेंडर। रोटर जो है स्मूथ सॉलिड स्टील सिलेंडर से बना होता है, हैविंग स्मूथ सॉलिड स्टील से बना होता है रोटर, हैविंग नंबर ऑफ स्लॉट्स। इसमें स्लॉट्स होते हैं अकोमोडेट द फील्ड कॉइल। सो पॉइंट इज द रोटर कंसिस्ट ऑफ स्मूथ सॉलिड स्टील सिलेंडर हैविंग नंबर ऑफ स्लॉट्स टू अकोमोडेट द फील्ड कॉइल। नेक्स्ट पॉइंट इज द स्लॉट्स आर कवर्ड एट द टॉप। स्लॉट्स जो होते हैं इसमें वो कवर किए जाते हैं टॉप पर विद द हेल्प ऑफ स्टील मैंगनीज वेजेस। विद द हेल्प ऑफ स्टील मैंगनीज वेजेस से कवर किए जाते हैं टॉप पर इसके स्लॉट्स।
and the unslotted portion of the cylinder itself act as a pole. ये पॉइंट कह रहा है जो 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 पोर्शन स्लॉट किए बिना रह जाता है, स्लॉट नहीं होते वहां पर, वो पोर्शन एक पोल की तरह बिहेव करने लगता है, पोल, और बाकी का पोर्शन वहां पर वाइंडिंग होती है, जहां पर वाइंडिंग नहीं होती है वो अनस्लॉटेड पोर्शन कहलाता है. अनस्लॉटेड पोर्शन वेयर इटसेल्फ एक्ट एज अ पोल. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द पोल आर नॉट प्रोजेक्टिंग आउट. पोल प्रोजेक्टेड आउट नहीं होते हैं, प्रोजेक्टिंग आउट नहीं होते हैं. एंड सरफेस ऑफ द रोटर, रोटर का सरफेस जो होता है बहुत स्मूथ होता है, क्योंकि प्रोजेक्टेड आउट नहीं है पोल्स, इसलिए स्मूथ हो जाता है. विच मेंटेन्स यूनिफॉर्म एयर गैप, जो कि एयर गैप यूनिफॉर्म एयर गैप मेंटेन करता है बिटवीन स्टेटर एंड रोटर. दीज रोटर्स, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दीज रोटर्स हैव स्मॉल डायमीटर्स. इन रोटरों के स्मॉल डायमीटर होते हैं, और लार्ज इन रोटर्स के, इन रोटर टाइप के स्मॉल डायमीटर्स होते हैं और लार्ज एक्सियल लेंथ होती है. ये इसलिए होता है ताकि पेरिफेरल स्पीड लिमिट में रहे, पेरिफेरल स्पीड लिमिट में रहे. ये हमारा डायग्राम है इसको सिलेंड्रिकल रोटर का, आप देख सकते हैं, आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं इसका. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. Hit the like button and subscribe my channel. Thank you.